और अब यूक्रेन से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। फिनलैंड और स्वीडन ने आज नेटो में शामिल होने के लिए किया आवेदन। रूस की धमकी के बावजूद दोनों देशों ने नेटो में शामिल होने का लिया फैसला। पुतिन ने कहा, नेटो विस्तार से रूस को कोई सीधा खतरा नहीं है। रूस यूक्रेन के चल रहे युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया कैंस फिल्म फेस्टिवल को संबोधित। चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर का जिक्र करते हुए पुतिन को बताया तानाशाह। कहा, यूक्रेन के हमले पर आज के सिनेमा को भी बोलने की जरूरत। मारियुपोल शहर यूक्रेन के हाथ से निकला, यूक्रेनी सेना की टुकड़ी ने किया सरेंडर। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, मारियुपोल पर रूस का पूरा कंट्रोल। 694 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर, रूसी सेना का दावा। यूक्रेन के अजोबस्ताल में यूक्रेनी सेना ने सरेंडर किया। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। रूस ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी टैंकों को ड्रोन हमले में मार गिराया। यूक्रेन युद्ध में रूस ने उतारे टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ये डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। रूस यूक्रेन पर कलिबर मिसाइलों से कर रहा है हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। डोनेस्क के एक इलाके में रूसी सेना ने की जोरदार बमबारी, इलाके में धुएं का छाया गुबार। यूक्रेन का आरोप, रूस रिहायशी इलाकों पर कर रहा है हमले। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर की जोरदार बमबारी, एक के बाद एक कई बम गिराए गए, मोर्चा छोड़कर भागे रूसी सैनिक, पूरे इलाके में छाया धुआं। यूक्रेन सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन युद्ध में 3,752 नागरिकों की मौत, संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की, 4,062 लोग हुए घायल।